प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि आपको कुंडली तथा कुंडली के ग्रहों के प्रत्येक चाल के बारे में, प्रत्येक उतार चढ़ाव के बारे में, प्रत्येक परिवर्तन के बारे में ज्ञान प्राप्त कराऊं। अगर आप लोग इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहेंगे तो आप लोग खुद अपनी कुंडली देखने के ज्ञाता बन जाएंगे। आपके सहयोग के लिए मैं प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। ये मोबाइल नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि आप लोग कोई वीडियो संबंधी प्रश्न हो तो मुझसे करिए, मैं फ्री सेवा कर दूँगा। परंतु कोई मित्रगण अगर अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए। आपको कुछ फीस अदा करना पड़ेगा, मैं बतला दूँगा फीस। अगर आप फीस मुझको देते हैं तो मैं आपकी कुंडली का पूरा विवेचन कर दूंगा। आप के फरमाइश पर मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं सूर्य ग्रह कुंडली के प्रत्येक भाव में क्या लाभ हानि देता है, क्या प्रभाव देता है, आपके व्यक्तित्व पर क्या असर लाता है, आपके जीवन पर क्या असर लाता है, इसको सुनिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सूर्य एक विद्या का सूचक है, सूर्य ग्रह चरित्र का सूचक है, व्यक्तित्व का सूचक है, व्यक्ति के परसेंट ऑफ माइंड का सूचक। जिसके कुंडली में लग्न में सूर्य बैठा हुआ हो, ऐसे लोग तेजस्वी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, इनमें कार्य करने की क्षमता अच्छी होती है और ये योग्यता से अधिक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जिसके कुंडली में लग्न कुंडली से दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, ऐसे लोग अच्छी उन्नति करते हैं, अच्छा धन प्राप्त करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलता है, दूर दूर तक पूजे जाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, ऐसे लोग दयालु होते हैं, धार्मिक होते हैं, उदार होते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं, माता पिता के शुभचिंतक होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। स्वाभिमान के कारण इनको कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और ये इनके चरित्र में रहता है। ये स्वाभिमान के आगे कहीं झुकने वाले नहीं होते। जिसके कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं, कई विद्या के ज्ञाता होते हैं। ऐसे लोग व्यवसायिक शिक्षा पाते हैं, इंजीनियर और सिविल जज बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से छठवें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं, ऐसे लोग केस मुकदमा नहीं लड़ते हैं, ऐसे लोग का चरित्र कभी खराब नहीं होता, कभी जेल नहीं जाते हैं और व्यक्ति को पहचानने की इनमें क्षमता होती है। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में सूर्य बैठा हो, ऐसे सातवें भाव में सूर्य नीच का हो जाता है, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है, पारिवारिक जीवन में विवाद बना रहता है, तलाक तक की समस्या होती है, ऐसे लोग मेहनत का सही रिटर्न नहीं पाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं, कुंवारे लड़का लड़की जिनकी शादी इच्छानुसार नहीं होती। जिसकी कुंडली में लग्न से आठवें भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, ये खिलाड़ी होते हैं, गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, ऐसे लोग अपने कला के द्वारा अपनी पहचान बनाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, ऐसे लोग सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे लोग अक्षमातिक कर्जदार हो जाते हैं, व्यापार में घाटा खा जाते हैं, नौकरी में उन्नति नहीं कर पाते हैं और सस्पेंड भी हो जाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से ग्यारहवें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति विदेश भी जाते हैं, विदेश से धन लाते हैं, ऐसे लोग कई व्यापार के मालिक होते हैं, अनेकों व्यापार करते हैं और कम परिश्रम में अधिक रुपया
प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग शेयर बाजार सट्टा से भी रुपया प्राप्त करते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से 12वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे लोग शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य के कारण इनके चौथेपन अच्छा नहीं जाते हैं, इनके बच्चों से विचारों का मतभेद रहता है, योग्य बच्चों से भी मतभेद रहता है, तथा आखिरी समय में आर्थिक परेशानियों के कारण इनका चौथापन अच्छा व्यतीत नहीं होता। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने रखा। मेरा जो है, आप वीडियो को हमेशा देखते रहिए। ट्विटर पर भी मेरा लिंक रखा हुआ है, मेरा कॉन्टैक्ट रखा हुआ है, आप ट्विटर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इतना कहते हुए वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।